पता चल रहा है। मैं किसी से सुन रहा था, वो कह रहा था कि मुर्दों में जान फूंकने से बेहतर है कि नए बच्चे पैदा कर लो। क्या ये चक्कर है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है। हरियाणा आया, हरियाणा में मैंने सुना है बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। पहले एक सब्जेक्ट था मेरे पास हिस्ट्री, तो उसमें कहते थे बहुत सारे योद्धा पैदा हुए हरियाणा के अंदर, शेर पैदा हुए और ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए जो जब दहाड़ते थे तो दूर दूर तक आवाज जाती थी। लेकिन वो लग नहीं रहा, ये शेरों की नगरी है या भेड़ों की नगरी है? अगर शेरों की नगरी है तो शेर की तरह दहाड़ के दिखाओ, क्योंकि जितनी आपके अंदर दहाड़ है उतना बड़ा आपका चहके है, ये ध्यान रखिएगा। देखो सीधी सी बात है, अभी भी बहुत सारे लोग हाथ बांधे बैठे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो थक गए पूरा दिन हो गया, सोचा कि टाइम पे घर जाएंगे, खाना वाना मिलेगा, पता नहीं था कि पूरा दिन निकल जाएगा, पेट को पकड़े बैठे हैं। हाँ, लेकिन मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि शेर के साथ शेर ही आता है और भेड़ों के साथ भेड़ ही आती है। तो आपको कौन चाहिए आपके साथ, वो आपको डिसाइड करना है। और अगर आप शेर चाहते हैं तो शेर की तरह दहाड़ के दिखाइए। एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले खुद के लिए बजाइए, जोरदार तालियां, ऐसी तालियां जो आपको खुद के लिए चाहते हैं, ऐसी तालियां बजा के दिखाइए। मजा नहीं आ, कई बार नहीं खुलते हाथ, सर्दी भी है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम कपिल है और पेशे से वकील हूं, जयपुर से आया हूं, राजस्थान से, और बहुत मिस कर रहा हूं मेरी वाइफ को, क्योंकि हम लोग ज्यादातर साथ होते हैं, तो चाहूंगा कि उनके लिए भी आप एक बार वापस ताजा बता दें, क्योंकि हम दोनों साथ मिलकर बिल्कुल फील कर रहे हैं। और बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे महागुरु और हम सबके गुरु का, क्योंकि उनको बिना नमन किए मैं आगे चल नहीं सकता और उनकी परमिशन मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क पे तो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं लेकिन जो उसको उठा के तराश दे और हीरा बना दे वही असली जौहरी होता है। तो धन्यवाद करना चाहूंगा तरुण जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से, कि आपको पूरे जयपुर नगरी पूरे राजस्थान में मैं ही मिला। हाँ, और हम यहाँ पे आके कुछ कर पाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। मुझे पता है सब लोगों को जल्दी है घर जाने की, बहुत छोटे में आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। भी आशुतोष जी की स्टोरी सुनी और बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा था मैं अपने आप से, क्योंकि लगभग जिंदगी वैसी थी। और बहुत सारे लोग जो हम बैठे ना पूरे दुनिया में अगर देखे तो 99% लोगों की जो पिक्चर है ना वो फ्लॉप है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी 30 से 40 साल की उम्र के बीच में होंगे, तो इसका मतलब इंटरवल तो आ लिया और पहला आप तो फ्लॉप था ना? तो अब क्या सेकंड आप सुधारना है, सेकंड आप सुधार लेंगे तो ठीक लगेगा, आईने में अपने आप को देख पाएंगे, गर्व कर पाएंगे। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि काश मैं टाटा के पैदा हो जाता, काश मैं ये कर लेता, काश मेरे जन्म भिंडला के पड़ोस में हो जाता। और कुछ लोग और क्षण है कहीं भी पैदा हो गए, वो कहते काश मेरी शादी भिंडला के यहाँ हो जाती। तो अब ये दोनों चांस तो भैया कई हो गए, खत्म हो गए। अब अपने पास तो सिर्फ है बचा एक मोदी के। क्योंकि काश वाली कहानी तो खत्म हो गई और अब जो है वही है, उसी को करना है। तो बताना चाहूंगा, बहुत छोटे में बताऊंगा क्योंकि मैंने मेरा नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस करीब 5 साल का मोदी के साथ, और इससे पहले भी मैं 6 साल एक फॉरेन की कंपनी में लगा चुका हूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे उसका नाम एमवे के साथ, मैं कई 6 साल दे चुका हूँ। और
वहां पे सपने देखना सीखा, बड़े बड़े विचार आने लगे, लगा जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा उतना नहीं कमाया। और वापस से धन्यवाद तरुण जी का कि उन्होंने हमें उठा के वहां से पकड़ के यहाँ पर लेकर आए। सारी स्टोरी कट शॉर्ट करूंगा, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, मदर मेरी हाउसवाइफ थी, और जिंदगी चल रही थी, सपने देखा करते थे, ड्रीम देखा करते थे, कुछ करना चाहते थे। तो फैमिली पे भी पिताजी कहते थे बेटा कहीं अच्छी से पढ़ ले, नौकरी लग जाएगा तो तेरी जिंदगी चल जाएगी, वैसे तो इतना लायक है नहीं कि लग जाएगा, क्योंकि हमेशा से बिलो एवरेज रहा हूं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था नहीं। चल तेरी स्ट्रगल होता रहा, और मजे की बात यह कि चंचल भी था, तो इसलिए ग्रेजुएशन के टाइम पे प्यार हो गया और शादी कर ली। तो पता नहीं था आगे का कि ऐसा भी कुछ करना होता है कि घर चलाना होता है, लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद पता चला कि घर भी चलाना होता है। तो प्राइवेट नौकरी शुरू करी, 2000 की तनख्वाह मिलती थी, उसमें भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। लाइफ चलती रही, उसके बाद फादर ने एक दिन बुला के बोला बेटा लॉ कर ले तो तेरी जिंदगी कट जाएगी, अदरवाइज तू गया। वो क्या आगे का बता देते थे पहले, तो मैं उनको हमेशा याद करता हूँ मेरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि मुझे बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और फिर मैंने लॉ किया, लॉ के साथ प्राइवेट जॉब भी करता रहा, बहुत सारे काम, जो ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं, इंश्योरेंस भी कर लिया, पोस्ट ऑफिस का काम भी कर लिया, जो हो सकता था वो कर लिया। इवन मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर ली, मेरे को बड़ा शौक था। मैंने कहा ये लोग जो लोगों के घरों में जाते कैसे बात करते होंगे, वो करके तो देखें। तो एक इश्तिहार आया अखबार के अंदर कि आइए 10,000 कमाने का मौका पाइए। मैं वहां चला गया, वहां गया तो उन्होंने कहा ये कूपन है, ये घर घर जाके बेच लें। मैंने कहा ठीक है बेच लेंगे। तो मोटरसाइकिल से जाता था, एक गली के कोने में खड़ी करता था और फिर लोगों के घरों में जाते थे कूपन बेचने। खैर वो पास था, वहां से निकले, फिर लॉ कंप्लीट हुई। फिर उस वक्त लगा कि अब लॉ हो गई है, अब जिंदगी सेट है, अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है और अब वो सब चीज मिलने वाली है जो मुझे चाहिए थी। जो वकीलों को देखते थे पिक्चरों में, मर्सिडीज में निकलते थे, बीएमडब्ल्यू में जाते थे, हकीकत में तो देखा नहीं था। इतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि कभी कोर्ट जाते पहले, वैसे ही कर लिया। और जब वहां पे पहुंचा, पहली बार कोर्ट पहुंचा, मैं डर गया, घबरा गया। मैंने कहा ठीक है इतने सारे वकील है, या तो क्लाइंट कम है वकील ज्यादा है, काम कैसे चलेगा। फिर मेरा एक दोस्त था, वो बोला भाई देख ऐसा है, यहाँ पे पैसा कमाना है ना। मैंने कहा कमाना है तो बोले जब तेरी 3 जूते की जोड़ी फट जाएगी ना तब कमाने लग जाएगा। अब ये बड़ा तगड़ा लॉजिक था। मैंने कहा यार ये कौन सा लॉजिक है, 3 जूते की जोड़ी फाड़ू पहले तब पैसा आएगा, कुछ तो आए। लेकिन कुछ भी नहीं आया। मैं गया एक हमारे मेरे फ्रेंड थे, उनके फादर जज थे, उन्होंने थोड़ी अप्रोच लगा दी, बोले एक वकील बताता हूँ उनके पास चला जाए। उनके पास गया तो बोले हाँ आ जाओ करो, बहुत बड़े वकील थे, नाम नहीं लूंगा। मेरे से बहुत सारा काम लिया उन्होंने, नाम इसीलिए नहीं ले रहा, पैसे ही नहीं दिए। हर महीना मैं उनका मुंह देखता था, मैं सिर्फ यही देखता था कुछ देंगे, लेकिन हर बार तेल लग जाता था बाइक का, वो चलता रहा। फिर समझ में आ गया कि जो मैं चाहता हूँ वो यहाँ से नहीं होता, और कुछ ना कुछ सर्चिंग चलने लगी, शुरुआत हो गई थी। उसी दौरान वकील जब चेंज किया तो वो बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने मुझे एक महीने बाद एक छोटे से लिफाफे में, महीना खत्म हुआ, लिफाफा लेके मेरी जेब में डाल दिया ऊपर वाली जेब में, मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा आज तो लॉटरी लगी, आज तो घर जाऊंगा और आप तो पता नहीं क्या करूंगा। मैं घर गया, बहुत तेज बाइक चला के, इतनी तेज वो चलती नहीं जितनी तेज मैंने उसको चला दी। और घर पहुंचने के बाद मैं मेरी वाइफ के पास गया, मैंने देखा भी नहीं, मैंने लिफाफा निकाल के उसके हाथ में रख दिया। मैंने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। मेरे को पता नहीं था उसमें 2,000 रुपए थे, वो क्या 100 के नोट चलते थे ना, उसमें थोड़ा मोटा था लिफाफा। तो मैंने देखा यार 500 के हो सकते हैं, देखा इतना तो ध्यान रखेगा, लेकिन वो रखा नहीं। वो ठीक है, वो भी कट गया, समय कट गया। वो देखा, उन्होंने ऐसे देखा मेरे मुंह पे, बोले तुम ही रख लो, तुम जी लो अपनी जिंदगी, जाओ मेरे को नहीं जीवी ऐसी जिंदगी। और फिर सर्चिंग चलती रही, किसी के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर आए, इस बिजनेस के अंदर आए। और इस बिजनेस में आने के बाद मोदी गैर में नहीं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आए। वहां पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बहुत सारे लोगों को हम मिले, वहां पे जाके बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए।
और देखा वहां पे कि बहुत लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि हम सफल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में आई थी कि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। पांच साल, उन्होंने बोला पांच साल का कॉन्सेप्ट है, पांच साल दीजिएगा बिना आगे पीछे ऊपर नीचे देखे, पांच साल दीजिएगा। घोड़ा जैसे बांधता ना, ऐसे बांध के चलते जाओ, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, करते जाओ, करते गए करते गए। पांच साल में कुछ बहुत बड़ा तो कुछ हासिल हुआ नहीं, हाँ थक जरूर गए और इन चीजों के ऊपर से विश्वास उठने लग गया था। और हर बार ईश्वर को याद करके एक ही चीज बोलते थे, हे भगवान अगर तेरा कोई अवतार है, अगर तेरा कोई दूत है तो भेज दे भाई, इसकी जिंदगी, हमारी जिंदगी बदल दे। और एक दिन उन्होंने हमारी बात सुन ली। पता नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी आपके जमान पे माँ सरस्वती माँ आती है, तभी तो हम बार बार कहते हैं बोलो यस। हाँ, आपको फॉरेनर चाहिए बोलो यस। कई लोग तो इधर उधर देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कब आ जाए सरस्वती माँ, बार बार कहते हैं ताली बजाओ कब आ जाए पता नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले ना ये काम कर लिया करो, कोई इसमें पैसा तो लगता नहीं है, इसमें जीएसटी तो लगता नहीं है कि अपने को देना पड़ेगा किसी को, लगता है क्या? तो ये भगवान ने बात सुनी और एक दिन मुझे सड़क पे मिला डाला मेरे गुरु से। मैं कहता हूं यहाँ पे आप बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे भाग्यशाली लोग होंगे जिनको कोई ना कोई यहाँ पकड़ के खींच के लाया होगा, जबरदस्ती लाया होगा, बेला फुसला के लाया होगा, कोई ना कोई चूर्ण की गोली खिला के लाया होगा, रास्ते में कहीं नाश्ता वास्ता करा के लाया होगा। है बस फोन क्यों कह रहे, आजा भाई तुझे मेरी कसम दोस्त नहीं है क्या तुम, मेरे साथ ऐसे करेगा? आप सब लकी है, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूं क्योंकि आप किसी ना किसी के लिस्ट में थे। मैं किसी की लिस्ट में नहीं था, मैं भगवान की लिस्ट में था। और उन्होंने मिला दिया तरुण जी से। अब देखिए क्या होता है जब कोई किसी को मिलवाता है ना, पहली बात तो आपको यकीन नहीं होता, दूसरा आंखों पर इतना पर्दा पड़ा होता है, विश्वास उठ गया होता है। वो विश्वास उठ गया था इस सिस्टम से, हर चीज से, कि ये सब फालतू की बातें हैं, अगर करेंगे तो यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दाद देता हूं सर, दाद देता हूं सर, मैं वापिस कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूख लग रही है। लेकिन हो सकता है आपकी भूख अभी, अगर अभी आप रोक लेंगे 10 मिनट तो हो सकता है कि आने वाली पूरी जिंदगी आप विदेशों में खाना खाएं। और तरुण जी की मुलाकात, मेरी मुलाकात, नंबर एक्सचेंज हुए। मैंने सोचा अरे वाह शानदार बंदा, लंबा चौड़ा शानदार लगता है, पैसे वाला, अब की बार तो मेरी लेग हरियाणा जाएगी क्योंकि मैं दूसरी कंपनी करता था। और इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। एक दिन तरुण जी ने मुझे जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मुझे पता चला एक होटल के अंदर जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत नाराज हुआ, नाराज होकर मैं वहां से निकल लिया, बिना बोले चला गया। सर ने मेरे को फोन किया, बोले क्या हुआ? मैंने नहीं नहीं सर, आप करो जो कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सर ने कहा अरे सुनो तो सही, बात तो समझो, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं मिलके। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं। तरुण जी मुझे फोन करते थे तो मैं फोन नहीं उठाता था, उस वक्त व्हाट्सएप चालू हो गए थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोटो भेजा कि ऐसे ऐसे मैंने गाड़ी जीती। मैंने कहा देखो कितने लोग बेवकूफ बनाते हैं, बताओ हमको 6 साल हो गए, हमारी तो गाड़ी के जूते फट गए, गाड़ी तो बदली नहीं, यहाँ पे गाड़ियां मिल रही हैं। मैं मेरी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा, मैंने कहा देखो कैसे कैसे बताते हैं। तो उन्होंने बोला ब्लॉक करो ब्लॉक करो। मैंने कहा ओके ब्लॉक करो। मैंने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, धन्यवाद सर। अगेन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने क्या किया, मैसेज भेजना शुरू किया, टेक्स्ट पर, हेलो सर हाउ आर यू। मैं कहा यार बड़ा अजीब आदमी, इतने भयंकर फॉलो। मेरा आप लोगों को मैसेज सिर्फ इतना है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना, अगर वो आपको ब्लॉक कर देना तो टेक्स्ट मैसेज भेज देना, क्या पता जीबीडी बन के खड़ा हो। और
ये मैसेज का सिलसिला भी चलता रहा। जैसे होता है ना, लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, मैसेज जाते हैं, लड़का लड़की को मैसेज भेजता, लड़की रिप्लाई नहीं करती, तो ऐसा कुछ चल रहा था। अब वो चलते चलते एक दिन सर ने मेरे को फोन किया अल्टीमेटली। मैंने कहा अब तो मैं खत्म ही करता हूँ मामला, मैं कहा बहुत हो गया, 8 महीने हो गए यार, 8 महीने पे नहीं करना, नहीं करना। मैं कहा, मैं फोन उठा के, मैंने कहा हाँ बताओ सर क्या बात है। बोले सर मैं जयपुर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी। तो बोले एक बार आपसे मिलना है सर, एक बार। मैं कहा मेरे को मिलना ही नहीं सर। बोले नहीं नहीं बस ऐसी बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे अपन बिजनेस की, कुछ नहीं करेंगे, बस मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है आओ मिलते हैं। और देखो ये क्या, ये पावर होती है भाई साहब, गॉड गॉड की जो लिस्ट है ना उसकी पावर है। क्योंकि उन्होंने नाम डाल दिया तो डाल दिया, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सर को भी पावर उसी चीज से मिल रही थी, क्योंकि भगवान बार बार कह रहा था अबे मेरी लिस्ट का बंदा है, फॉलो अप ढंग से करियो। तो हम लोग मिले एक होटल के अंदर, हमारे जयपुर में एक होटल है, होटल सफारी, वहां पे मिले। मैं गया बड़े एटीट्यूड के साथ, जैसे कोई पीटी परेड में जाता आदमी। हाँ जी सर बोलिए। जैसे मेरे को पता नहीं क्या कोई दुश्मनी निकालनी है। तरुण जी बड़े प्यार से बोले हाँ सर बैठिए प्लीज बैठिए। बैठने के बाद मिले, बोले सर कैसा चल रहा है। मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत शानदार चल रहा है, मजा आ रहे हैं, जिंदगी बहुत जबरदस्त चल रही है, आप बताओ अपनी। मेरा बोला बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर बातचीत हुई, बोले सर आप ये बताइए, अपने को अपने को याद होगा, अपने को ये बात हुई थी 8 महीने पहले। मैंने कहा हाँ यार मैं आज ये खत्म ही करने आया हूँ सर, 8 महीने हो गए, नहीं करना नहीं करना। तो बोले मैं सर वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जब 8 महीने पहले आपसे मिला था आपको पता है मैं कितने कमाता था। मैं कहा हाँ सर आप कोई 30-40 हजार के अप्रोक्स कमाते थे। तो उस वक्त मैं करीब 50 हजार कमाता था। तो मैंने कहा सर तो उसमें बहुत बड़ी बात क्या है। तो बोले नहीं मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, अभी मेरा चेक आया मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो मैं दिखाई सर क्या है चेक। तो सर ने मेरे को अपना स्टेटमेंट दिया, जब स्टेटमेंट दिया कागज का, तो मैंने 4 बार जूम किया, जूम इन जिन जूम आउट जूम इन जूम आउट, ये सर साल का तो कोई भी दिखा देगा। मैं कहा सर साल का क्या है, कोई भी दिखा, मेरा भी आता है। बोले नहीं सर ये महीने का है। महीने का? और मेरे टन 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 फोफड़े में पता नहीं क्या हो रहा है महीने में इतना। तो बोले हाँ सर ये महीने का, मैं ये कागज तो मैं छपवा दूं, अब वकील से ठहरा। मैं छपवा दूं किधर निकलवाने बताऊं। तो बोला सर सर पूरी तैयारी के साथ आए थे, सर ने मतलब कुछ छोड़ा नहीं कि, और टीडीएस का एक सेट पेन की साइड खोली, पेन की इंडिया की, और टीडीएस दिखा दिया। बोले ये देखो यार अब मेरे को सब जगह पैसा दिखे, ऊपर देखो लाइट में पैसा, नीचे देखो टेबल में पैसा, कप में पैसा, इधर पैसा, मैंने पैसा पैसा पेट में पैसा, गुर्दे में पैसा, दिमाग में पैसा, मेरे भारी हो गया माथा। मैंने कहा यार मैंने 6 साल लगा दिए, इस बंदे ने 8 महीने में ये कर दिया है, ये कंपनी का पैसा लुटा रही है। और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ जैसे किसी के ना सांप लग गए हो ना पीछे। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई साहब, और मैं वहां से भागा, घर गया। घर पहुंचा मैंने मेरी वाइफ को बताया, वाइफ बोली सब फ्रॉड है। मैं कहा ओके, लेकिन जब भगवान चाहता है ना, 2-3 दिन बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि हमने मोदी घर में आने का फैसला किया। मैसेज सर मेरा इतना ही है आप सबको कि आप का जीबीडी कौन है आप नहीं जानते। आप उसको कॉल करें, फॉलो अप करें, वो ब्लॉक करें तो मैसेज करें, मिलें उन्हें, बताएं और ये सिस्टम दिखाएं। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरे गुरु का जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। आज यहां से लाखों लोग अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, आज लाखों लोगों के घरों में तरुण जी की फोटो लगी हुई है। क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं कि कोई हमें याद करे? मैं बहुत सारे लोगों से मिला इन दिनों में और उनसे पूछता हूं
कि सर क्या आपको आपके दादाजी के दादाजी का नाम पता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं पता। लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर वो काम कर सकते हैं कि हमारा नाम हमारे आने वाली 7 जनरेशन से याद रखे। मोदी के अंदर आ गए, उसके बाद बिजनेस चलने लगा धीरे धीरे। स्ट्रगल के टाइम थे, स्टार्ट किया, अचीवमेंट्स मिले। यहाँ से लगभग 6 ट्रिप में जा चुका हूँ और अभी क्रूज पे जा रहे हैं सर के साथ। फर्स्ट ट्रिप बैंकॉक क्वालिफाई हुआ था, वहां जा नहीं पाए थे। उसके बाद टर्की में गए तो लगभग 8 लोग मेरी टीम से गए। उसके बाद वापस बैंकॉक क्वालिफाई हुआ, बीच में मॉस्को हुआ, शादी थी नहीं जा पाया। उसके बाद दुबई हुआ, लंदन हुआ और अभी क्रूज हुआ। इतना मजा आ रहा है फ्रेंड्स की बता नहीं सकता हूँ। सफर शुरू किया था मोटरसाइकिल पे, चलते चलते यहाँ से 3 गाड़ियां जीत चुका हूँ। अभी जो गाड़ी चलाता हूँ लगभग 22.5 लाख रुपए की गाड़ी है, बहुत जल्दी बदलने वाला हूँ, बहुत जल्द बदलने वाला हूँ फ्रेंड्स। और याद करता हूँ उस लिफाफे को जिसमें मेरे वकील ने 2000 रुपए डाल के दिए थे मुझे। आज सर के सपोर्ट से और मोदी केयर के सपोर्ट से, सिस्टम के सपोर्ट से आज लगभग घंटे का 2000 कमा रहे हैं। अच्छा लगता है आप सबसे मिलके, इतने सारे लोगों से मिलके। फ्रेंड्स एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस सफर में आप सब सफल लोगों को देख चुके हैं और नो डाउट जब आप यहाँ टिके रहेंगे तो आप भी यहाँ पे सफल हो जाएंगे। आप जब टिके रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। आज नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद स्पीड आपको डिसाइड करनी है। लेकिन होता क्या है, थोड़े समय बाद जब सफलता चढ़ने लगती है, आगे जाने लगती है, तो लगता है बस मैं ही हूं, अब तो मैं हूं, मेरी टीम। जिस दिन ये आ गया मेरी टीम, उस दिन आप नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो आपका अपलाइन है, हमेशा उसकी इज्जत करें, हमेशा उसके साथ रहें। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, शायद हो सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहिए लेकिन लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, तो आप इसको सीरियसली लें तो बहुत अच्छा है। एक कहानी याद आ रही है मुझको, मैं बीच में भी एक बार सुनाई थी। एक बार एक शादी हो रही थी, एक लड़का लड़की थे, दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों शादी करने की सोच रहे थे। तो जब शादी करने की बात हुई तो लड़की का फादर बहुत इंटेलिजेंट था, लड़की के फादर ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, शादी तो हम कर देंगे लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे घर से कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो लड़के ने बोला ठीक है, नहीं आएगा कोई भी बूढ़ा, शादी करो तुमको। अब वो जब घर गया, घर जाके उसने बताया कि वहां पे वैसी शर्त रखी है कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो बोले ऐसे कैसे होगा, बूढ़ा क्यों नहीं आएगा, घर के बूढ़े नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे बूढ़े। बोले बूढ़े घर रहेंगे, लड़की लाएंगे, दया देखेंगे। अब वो नाना अटक गया, नाना बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। वो कहे कि नहीं 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 जाना। बोले नाना, नाम ही नाना है। बोले ना ना मैं तो जाऊंगा, कोई भी बात हो। बोले नहीं ना 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 मैं तो जाऊंगा। अब बोले चलो इसको काम करते, पेटी में पैक करते, ले चलते, चल पड़ेगा। अब उसको पेटी में बंद किया, नाना को ले गए साथ में, वहां गए, वहां निकाला नहीं। अब जब वहां पहुंचे तो लड़की का बाप फिर पसर गया, बोला कि ऐसे तो हम शादी नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे करोगे। बोले ये पीछे हमारे नदी बह रही है, इस नदी में दूध की नदी बहाओ तो शादी निकल के लड़की ले जाओ। अब सब माथा पकड़ के बैठ गए, बोले यार दूध की नदी कैसे बहाएंगे। बोले शादी पोस्टपोन करो यार, कैंसिल, जल्दी है। अब वो बोले अरे वो नाना पेटी में बांधा, निकाल दो उसको बाहर। तो नाना को बाहर निकाला, बोले चलो चलो शादी कैंसिल। बोले शादी कैंसिल, क्यों कैंसिल। बोले शादी कैंसिल, लड़के लड़की लड़की का बाप कह रहा है कि यहाँ पे तो नदी बहाओ दूध की। बोले बस इतनी सी बात तो शादी कैंसिल होती है। बोले तो करें कैसे। बोले तुम मैसेज भेजो उनको कि तुम पानी खाली करवाओ, हम दूध ला रहे। नहीं तो
स्थिति डामाडोल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स बस ये ज्यादा अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भी सरप्राइज का इंतजार। अचीवमेंट्स की बात में बात करेंगे, भी जयपुर आ रहे हैं आप सब जो भी आ रहे हैं बताएं, और वहां पे हम एक बहुत जबरदस्त इवेंट करने जा रहे हैं सर के साथ मिलके, और लगभग लगभग 3000 से ऊपर लोगों का इवेंट है जो कि 20 तारीख को होने वाला है। और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है वहां पे। चलिए सर की तरफ से मेरे को इशारा हो गया है कि नहीं तो हमको सुनना ना सर। चलिए अगली बार फिर से मिलेंगे यहीं पे, मैं आपसे थैंक यू चाहूंगा और यही कहूंगा कि बिजनेस को करें दिल से करें, मन लगाकर करें, और जहां जाओ छा जाओ एक ही चीज, जय जय मोदी के घर घर में दिखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इतनी सी डालिए।